तो ये लास्ट सेशन में हम 91 से 100 क्वेश्चन नंबर के आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ सेल्स टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज, ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। एंड यहाँ पे एबिलिटी जो है ऑफ अ सेल टू रिस्पॉन्ड टू अ स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस, बेसिक डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज द एंडोजीनियस पाथवे ऑफ एंटीजन प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स। तो एंडोजीनियस पाथवे आप डायग्राम में देख सकते हो कि एंडोजीनियस पाथवे विल एक्चुअली लीड टू द प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन थ्रू द MHC1 कॉम्प्लेक्स। ओके, तो MHC1 कॉम्प्लेक्स है तो दैट मीन्स कि वो किसको प्रेजेंट करेगा, TCR। हमने पहले भी एक देखा था कि TCR जो सामने रहेगा दैट विल बी अलॉन्ग विद द CD8। MHC1 विल एक्चुअली रिप्रेजेंट टू CD8 टी सेल, तो दैट विल बी प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू द साइटोलाइटिक टी सेल। बाकी आप देखो कि मोस्टली पेप्टाइड्स डिराइव फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर पैथोजेंस, दैट इज इनकरेक्ट। प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू TH1 सेल्स नहीं होता, वो हमेशा TH0 सेल्स होता है। तो TH1 सेल से वो कभी TH1 सेल्स को वो प्रेजेंटेशन नहीं करेगा। प्रेजेंटेशन ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन ऑन MHC2 मॉलिक्यूल्स, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हमने देख लिया कि MHC क्लास 1 से वो बेसिकली कॉम्प्लेक्स से करता है, तो इसलिए देयर फोर इट विल बी प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन टू साइटोटॉक्सिक टी सेल। ओके, नेक्स्ट इज द डायनामिक फंक्शंस इन द लिविंग सिस्टम आर ब्रॉट अबाउट बाई इंटरप्ले ऑफ वीक केमिकल इंटरेक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीक केमिकल इंटरेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो यूजुअली यहाँ पे जो हाइड्रोफोबिक फोर्सेस रहेंगे वो एक्चुअली 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि थोड़े सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे, बिकॉज जो हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स है दे टेंड टू गो इनसाइड द पर्टिकुलर 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर, वेर एज द हाइड्रोफिलिक एमिनो एसिड्स विल एक्चुअली वी कैन से गेट एक्सपोज टू द एक्वियस फेज एनवायरमेंट। तो इसलिए हाइड्रोफोबिक फोर्सेज एक मेजर रोल प्ले करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ द 3-डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट इज द टर्म ट्यूनिकेट मेक्स रेफरेंस टू द यूरो कॉर्डेट टेस्ट और ट्यूनिक विच इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये अगेन यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है और इसको आपको सिर्फ याद ही रखना है कि सेल्यूलोज आएगा उसका आंसर, सेल्यूलोज लाइक मटेरियल रहता है। नेक्स्ट इज द आल्गे एट द बिगिनिंग ऑफ द फूड चेन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। आल्गे जो है अब आप देख सकते हो आल्गे, फिर जू प्लैंकटन, फिर स्मॉल फिशेज, स्क्विड एंड शार्क। तो इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट आल्गे जो है वो एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो वो दे आर प्रोड्यूसर्स, राइट। नेक्स्ट इज यूनिडायरेक्शनल प्रोपोगेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज एंश्योर्ड बाय। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि एक बार अगर पर्टिकुलर एक्सोन पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो यूनिडायरेक्शनल ही क्यों जाएगा, व्हाई इट विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड व्हाई इट वोंट गो इन दिस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में वो क्यों नहीं जाएगा। वंस इट इज इट हैज स्टार्टेड द प्रोपोगेशन, तो वो एक ही डायरेक्शन क्यों फॉलो करेगा, दूसरे डायरेक्शन में वो क्यों नहीं जाएगा, क्या हम बोल सकते हैं कि वो रिवर्स डायरेक्शन में क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो पर्टिकुलर एक्सॉन के मेम्ब्रेन पे चैनल्स रहते हैं, दिस चैनल्स आर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। ओके, दिस चैनल्स आर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। तो यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स रहेंगे, वंस अ पर्टिकुलर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल इज ओपन एट अ रीजियन, तो वो नियर बाई चैनल को द सोडियम इन्फ्लक्स विल अकर। सोडियम इन्फ्लक्स अकर होने की वजह से जो इंटरनल एनवायरनमेंट है सेल का वो इंक्रीज हो जाएगा, सेल का एनवायरनमेंट इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नियर बाई वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे। देन अगेन फाइनल नियर बाई जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स है वो ओपन हो जाएंगे, तो अगेन इन्फ्लक्स होगा। देन दिस चेन रिएक्शन विल कंटिन्यू
अंटिल द एक्सॉन टर्मिनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बार ओपन हो गए, वंस द एडजेसेंट सोडियम चैनल वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर ओपन्ड, वंस दिस वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स आर ओपन, वो रिपोलराइजेशन के बाद ही क्लोज होंगे। ये वंस दे आर ओपन दे विल नॉट री ओपन अगेन, राइट, क्योंकि वो पहले से ही ओपन स्टेज में है। तो ये अगर यहाँ पे ओपन हो गए हैं तो हम वापस उसको स्टिम्यूलस देंगे तो वो कभी भी दूसरे डायरेक्शन, बिकॉज दे आर ऑलरेडी ओपन, अब ऑलरेडी सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन है, तो वो फिर कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट करवाएंगे? कोई भी डायरेक्शन में वो प्रोपोगेट नहीं करवाएंगे, और इसी को हम रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल प्रोपोगेशन कौन इंश्योर करेगा? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ओके, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। नेक्स्ट इज बफरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड्स, तो दैट इज हिस्टिडिन। तो बेसिकली बफरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब क्या, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होता है आरबीसी में, दैट गेट्स कन्वर्टेड इंटू द बाइकार्बोनिक एसिड एंड डिसोसिएट इंटू प्रोटॉन्स एंड बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट तो चलो ये तो एक फॉर्म हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, बट वॉट अबाउट प्रोटॉन्स? अगर प्रोटॉन्स को बफर नहीं किया गया या प्रोटॉन्स को फ्री, प्रोटॉन्स विल एक्चुअली लीड टू द डिक्रीज इन द पीएच, देयरफॉर दिस प्रोटॉन्स विल एक्चुअली गेट बफर्ड बाय हीमोग्लोबिन, दिस प्रोटॉन्स विल एक्चुअली गेट बफर्ड बाय हीमोग्लोबिन। पर हीमोग्लोबिन में कौन से एग्जैक्टली पर्टिकुलर साइट पे बाइंड करेंगे? तो एट द हिस्टिडिन रेसिड्यूज, तो हिस्टिडिन रेसिड्यूज पे वो बाइंड कर जाएंगे एंड देयरफॉर हीमोग्लोबिन विल आल्सो एक्ट एज अ बफर, ओके, एंड दिस इज ड्यू टू द एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ओके, तो हिस्टिडिन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ट्रू एंड कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज ऑब्जर्वड इन, तो ट्रू या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या कि यूजुअली इंसेक्ट के चार स्टेजेस जब होंगे उसके मेटामॉर्फोसिस के टाइम, तो ही उसको ट्रू या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे, जिसको हम हॉलो मेटाबॉलिक बोलेंगे, हॉलो मेटाबॉलिक। तो यहाँ पे हॉलो मेटाबॉलिक या ट्रू मेटामॉर्फोसिस में कौन कौन से स्टेज रहेंगे? तो एक होगा एग, नेक्स्ट विल बी लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट। तो बेसिकली कंप्लीट में ये चारों स्टेज होने चाहिए मेटामॉर्फोसिस के टाइम, वेयर इज इनकम्प्लीट में प्यूपा स्टेज नहीं होता है। इनकम्प्लीट जो भी इंसेक्ट शो करेंगे मेटामॉर्फोसिस, उसमें प्यूपा स्टेज नहीं रहेगा। तो इसलिए ऐसा ये चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा है कि ये चारों स्टेज शो करता है, दैट इज एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट, एंड देयरफॉर इट इज नो ऑल्सो दे आर ऑल्सो नोन एज टू बी डूइंग द ट्रू मेटामॉर्फोसिस, ओके। तो यहाँ पे मस्कीटो जो है दैट इज एक्चुअली द आंसर हियर, के यहाँ पे आप देख सकते हो एग, लार्वा, प्यूपा एंड फाइनली अडल्ट, चारों के चारों स्टेजेस यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस के टाइम दिखेंगे, तो देयरफॉर मस्कीटो विल शो ट्रू मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट इज क्राइवन एंडोटॉक्सिन्स ऑब्टेन फ्रॉम बेसिलस थुरिंजियंसिस आर इफेक्टिव अगेंस्ट, तो दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट बॉलवॉर्म, ओके, अगेन ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, बॉलवॉर्म के अगेंस्ट इफेक्टिव होते हैं। लास्ट वन इज द मार्क द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर, तो ये चारों में से अगर हम देखें कि क्लोज सर्कुलेशन फेरेटिमा में है, करेक्ट, फेरेटिमा मतलब जो अर्थवॉर्म है उसमें क्लोज सर्कुलेशन होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, नेरिस में पैरापोडिया रहता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट फॉर लोकोमोशन, एस्केरिया में मस्क्यूलर फेरिंग्स रहता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, मस्क्यूलर फेरिंग्स पंपिंग का काम करेगा, इंसेक्ट्स में वो गिल्स नहीं होते हैं, दिस इज द इनकरेक्ट पेयर गिवन द पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, द इनकरेक्ट पेयर इज व्हाट, इंसेक्ट्स एंड बुक गिल्स। बुक गिल्स यूजुअली एरेक्निड्स में प्रेजेंट होते हैं, एरेक्निड्स में, वेयर इज इंसेक्ट्स में स्पाइरेकल्स या ट्रैकिया प्रेजेंट होता है गैशियस एक्सचेंज के लिए, एंड बुक गिल्स एरेक्निड्स में प्रेजेंट होंगे गैशियस एक्सचेंज के लिए, राइट, तो देयरफॉर फर्स्ट वन इज द इनकरेक्ट पेयर। तो यहाँ पे हमने सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी 2019 एमएससी एंट्रेंस जूलॉजी के लिए।
तो मोस्टली जो क्वेश्चंस थे वो किसके ऊपर पूछे गए थे? मोस्टली क्वेश्चंस ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी से थे, मैक्सिमम इकोलॉजी से भी थे, थोड़े बहुत इवोल्यूशन से थे, इम्यूनोलॉजी से भी थे, राइट, टेक्निक से बहुत ही कम थे क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वेश्चंस अगेन क्लासिकल बायोलॉजी रिलेटेड ज़्यादा थे, एज वेल एज सेल बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस थे, वेर एज मॉलिकुलर बायोलॉजी के कंपेरेटिवली कम थे, सेल बायोलॉजी के ज़्यादा क्वेश्चंस। एंड हाँ, डेवलपमेंटल बायोलॉजी के भी उतने ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो गए, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए सारे क्वेश्चंस को। एंड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा वीडियो को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद मी, सी यू नेक्स्ट टाइम।